अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सोहेल और फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो मैंने बनवाया है नया कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग के लिए और फ्रीलांसिंग के लिए। तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है मेरा नया कंप्यूटर और ये है सीपीयू जो मैंने बनवाया है कल, और ये पुराने वाला है डेल का, ठीक है, पेंटियम 4। ये बेकार हो गया मेरे लिए, किसी काम का नहीं, ये बच्चों के लिए काम आएगा। और जो नया कंप्यूटर है इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये है इंटेल i5 फोर्थ जनरेशन, कैश रैम 12 MB वाली है और HDD 1 TB रैम इसकी है, 8 GB ये टावर बॉक्स है आप देख सकते हैं, और इसमें जो VGA लगा है वो 2 GB का लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि जो सिस्टम्स की कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई हैं। तो इस वक्त 2 GB का जो ग्राफिक कार्ड है वो 13 से 14 हज़ार रुपये का मिल रहा है, और ये खाली जो CPU है, जो सिस्टम है, ये मुझे 50 हज़ार में पड़ गया, ठीक है। और इसमें जो SSD की हार्ड होती है, छोटी हार्ड, उसकी कीमत इस वक्त जो चल रही है वो 4 से 5 हज़ार रुपये है। और मेरा तो यही कहना है कि आप 3 से 4 मंथ वेट कर लें, अगर आप पैसे खर्चना चाहते हैं तो वो भी कर लें, लेकिन वेट कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि LCDs, लैपटॉप्स और सिस्टम्स की कीमत बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। तो जी, ये अभी बॉक्स देख लें, ये इस डिज़ाइन में है, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है i5 फोर्थ जनरेशन, ये HP वालों का है, और ये USB केबल्स के लिए लगे हुए हैं जैक, और ऊपर पावर ऑफ ऑन बटन है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। और इसके बरक्स आप ये देख लें कि जो पहला है ये इतना खूबसूरत, इसकी जो बॉडी नहीं है, और ये हो अभी भी मेरे लिए बेकार गया है। और बाकी मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग लगा लें, या वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हैं, कोई स्किल्स आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ Adobe प्रीमियर, तो इसके लिए आपकी जो रैम है वो होनी चाहिए कम से कम 8 GB, ठीक है, और जो इसकी हार्ड है वो 500 GB लगा लें, होनी चाहिए मस्ट, और 2 GB का VGA कार्ड होना चाहिए, जो ग्राफिक कार्ड है वो 2 GB का होना चाहिए। ये अभी हिसाब लगा लें कि 8 GB इसकी रैम है, और अभी भी ये इतना नहीं वो चल रहा, ठीक है, जैसे एक सिस्टम चलना चाहिए स्पीड के साथ। तो इसकी जो रैम है वो मैं 8 से 16 GB करवा दूंगा ताकि मुझे कोई भी मुश्किल ना आए, और जो वीडियो एडिटिंग का काम है या कोई भी काम है वो स्पीड से हो, क्योंकि दोस्तों आफ्टर इफेक्ट और Adobe प्रीमियर वगैरह जो अच्छे, अगर चल अच्छे तो नहीं कह सकते, जो अगर नॉर्मल जो चलते हैं वो चलते हैं 8 GB रैम पर, ठीक है, और 2 GB का इसका जो ग्राफिक कार्ड होगा तो फिर ये एक अच्छे तरीके से चलेंगे और आपको अच्छा काम देंगे। तो अगर आपने पैसे खर्चने हैं तो एक अच्छा सिस्टम बनवा लें एक ही वक्त में, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं, वो यूट्यूब से हो या किसी भी स्किल से हो, ठीक है, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे ऑनलाइन अर्निंग की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी जो मुश्किलात हैं नए जो फ्रीलांसर हैं कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए वो हल हो गई होगी। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।